दोस्तों, हमारा भारत दिन ब दिन तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में काफी तरक्की देखने को मिली है। भारत की इस तरक्की को मद्देनजर रखते हुए आज हम भारत के भविष्य के लिए प्रेडिक्ट किए गए कुछ ठोस आंकड़ों पर नजर डालेंगे। आज से लगभग कुछ ही सालों बाद 2050 में कैसी होगी हमारी दुनिया, हमारा देश कितनी तरक्की कर चुका होगा और क्या कुछ नया होगा। दोस्तों, बात करें जनसंख्या की तो 2050 में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 950 करोड़ से भी ज़्यादा होगी और 2050 तक भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। एक शोध के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला देश भी बन जाएगा। और गौरतलब है कि इस वक्त दुनिया में ईसाई धर्म सबसे बड़ा समूह है और अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा तो इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2050 तक भारत विश्व की सबसे तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। दोस्तों, 2050 तक भारत की यातायात संसाधनों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्ष 2050 तक भारत 100% इलेक्ट्रिक वाहन वाला राष्ट्र बन चुका होगा और ईंधन वाले वाहन पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, जिससे देश के वातावरण में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। और हमारे ट्रैफिक सिस्टम इतने अच्छे होंगे कि एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिल चुका होगा। और भारत में भी जापान की तरह बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी, जो इंसानों का समय आज के दौर की ट्रेनों के मुकाबले 80% तक ज़्यादा बचाएगी। यानी अगर एक नॉर्मल ट्रेन आपको जहाँ एक घंटे में पहुँचाती है, वहीं बुलेट ट्रेन आपको सिर्फ 10 मिनट में पहुँचा देगी। साल 2050 तक भारत में 100 से अधिक स्मार्ट सिटी बन चुकी होगी और काफ़ी ग्रामीण एरिया शहरों में तब्दील हो चुका होगा, जिसके कारण नई टेक्नोलॉजी और नई सोच देश के सभी लोगों तक पहुंचेगी। बात करें इंटरनेट की तो 2050 तक भारत में इंटरनेट स्पीड आज के समय से 10 गुना तेज होगी और इंटरनेट का क्रेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और भारत की आबादी का लगभग 60 से 70% हिस्सा इंटरनेट से जुड़ चुका होगा, जिस वजह से लोग अपना 30% समय इंटरनेट पर ही बिताते नजर आएंगे। वर्ष 2050 तक लोगों की टेक्नोलॉजी में एक्सेप्टेंस ही बहुत बढ़ जाएगी। लोग होलोग्राफी टेक्निक वाले गैजेट्स यूज कर रहे होंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली पीढ़ी हमसे ज़्यादा एडवांस होगी। स्पेस साइंस की बात करें तो 2050 तक इंडियन स्पेस साइंस इसरो इतनी तरक्की कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान को मानव सहित मंगल ग्रह पर भेजा जा सकेगा। और इसरो की इस तरक्की को देखकर यह भी संभव है कि 2050 तक यह दुनिया का नंबर वन स्पेस एजेंसी होगा। 2050 तक लगभग सभी कारखानों व इंडस्ट्रियों में इंसानों की जगह रोबोट कार्य करेंगे, जिससे कार्य जल्दी और सटीक होगा। ऐसे स्थान जहां मनुष्य को खतरा हो, वहां रोबोट द्वारा कार्य कराया जाएगा। 2050 तक भारत में राजनीतिक सिस्टम और नीतियों में भी निश्चित रूप से बदलाव आएंगे और देश के हर कोने में बिजली और पानी 24 घंटे उपलब्ध होने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा देश इतनी तरक्की कर पाएगा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।